28 नवंबर की स्टूडेंट हेलो यस सर, अभी तक का ऑडियो सेक्शन क्या लगता है, बेसिक रहा कि एडवांस रहा? चलिए बताओ, आज आपने अपनी लाइफ की पहली आईसी किस किस ने बनाई, चलिए बताओ, और आईसी के प्रोटोकॉल किस किस ने समझे, चलिए बताओ, और आपको आज पता चला कि बोर्नियो से हमें क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? हेलो, बोर्नियो में बहुत सारी बग्स हैं सर, बग्स हैं यस सर, इन आउट पढ़ के क्या मिलेगा, हमें सब कुछ पढ़ना है। हाँ, लर्निंग इज ऑल अबाउट एवरीथिंग, लर्निंग नॉट अबाउट जस्ट टू पॉइंट। हेलो, मैं पूछना चाहता हूँ 14 बॉल या 9 बॉल का सर्किट कौन कौन बना सकता है, जल्दी बताओ, और यहाँ शाम को कौन कौन बनाएगा? डीएसओ का काम किस किस को समझ में आया? पक्का? और कॉइल का काम किस किस को समझ में आया? एक एक कॉम्पोनेंट, कैपेसिटर कितना फराड का, कॉइल कितना लगा होना चाहिए, ये चीज किस किस को क्लियर हुई? कौन कहाँ से क्या बाईपास कर सकता है, जल्दी बताओ। चलो ठीक है, सो हम 15 मिनट बाद फिर मिलेंगे स्मार्ट पीए करने के लिए। जल्दी बताओ, शुरुआत हमने किससे की, जल्दी बताओ, रिसीवर सप्लाई, रिसीवर सप्लाई में कितने कैपेसिटर, जल्दी बताओ, एक कैपेसिटर कैसा लगा होगा, रिसीवर किस किस ने मैनुअली बाहर बाहर तक ट्रेस किया था अब तक, जल्दी बताओ, दूसरे दिन ही कर लिया था वो तो, आज हमने आईसी के अंदर किया, हेलो, अच्छा ऑडियो आईसी के प्रोटोकॉल किस किस को समझ में आया, जल्दी बताओ, यहाँ पर मैंने लाइव बनाया उसको, हेलो ऑडियो आईसी, अच्छा सिर्फ डायग्राम को लेकर किया क्या? मैंने आपको हर बार दो कंडीशन दी है, हेलो, फोन ऑन होने की दो कंडीशन, डायग्राम नहीं है तो उसकी दो कंडीशन, मैंने दो हर चीज की दो कंडीशन दी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डायग्राम नहीं है किसी साइड का तो आप कैसे चेक करेंगे, तो रिवर्स ट्रेसिंग, बात पैड की नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कंपोनेंट ढूंढना है, हेलो यस सर, मैं ये तो ना कह रहा हूं कि पैड तो हम डाटा शीट से बता सकते हैं, यस सर, मैं तो बोल रहा हूं इसका 1.8 का कैपेसिटर ढूंढ के कौन कौन बता सकता है, जल्दी बताओ, ये भी बताया, और तुम्हारे पास सब रिकॉर्डेड है, हेलो यस सर, तुम्हें प्रैक्टिकल करोगे ही, उसके बाद भी रिकॉर्डेड है ना, फिर हमने ऑडियो आईसी के आने के बाद सबसे पहले आपको बताया ब्लॉक डायग्राम, सीधे आईसी नहीं पढ़ाई हमने, पहले बताया कि स्मार्ट पीए क्या होता है और रिंगर ऑडियो पीए क्या होता है, किसके पास में कौन सा कंपोनेंट मिलेगा जिससे हम बोलेंगे कि स्मार्ट पीए की ऑडियो पीए, अब मुझे बताओ ये पीए ऑडियो पीए की स्मार्ट पीए जो सीधा सीपीयू से कनेक्ट होता है, हेलो, 8 लाइन, कितनी 8 लाइन, डाटा पैक इसका नॉलेज किस किस के पास है, चलिए इसमें से 2 लाइन किसी में होगी और किसी में नहीं होगी, ये भी बताए, अच्छा बोर्नियो एक बार, चलो बोर्नियो को देखते हैं, मेरी बात ध्यान देना, अब मुझे बताना बोर्नियो क्या जस्टिफाई कर रहा है क्या, मैं नोट 5 प्रो खोल रहा हूं, नोट 5 प्रो में माइक स्पीकर में जाता हूं, देखते हैं, बहुत बढ़िया, और इसका रिंगर में जाता हूं, स्पीकर रिंगर आईसी, अब ध्यान दो देखते हैं, मैं बोलता हूं ठीक है आज तुम इन आउट दे रहे हो ना, वो तो पूरे दो, डालो बी बैक स्विचिंग, अब ध्यान देना ये दो आउटपुट कॉइल वाले, हेलो यस सर, 1.8 और सिर्फ 2 लाइन दी है सीपीयू की, कितनी लाइन, दो लाइन, जबकि डेली कितनी चाहिए थी, और दो में से भी कौन सी लाइन दी है, नोटिस करना वो जो कईयों में होती है और कईयों में नहीं होती है, क्या नाम है उसका,
अब मुझे बताओ सीपीयू में तो टोटल कितनी लाइन जा रही थी? असली तो बताए नहीं, I2S I2C। अब बताओ क्या बोर्नियो देख के हम सेट बना रहे हैं क्या? तो बोर्नियो का टच का डिस्प्ले का डायग्राम सही है, फिंगरप्रिंट टच डिस्प्ले, पर आईसीओ का डाटा शीट सही नहीं है। बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? बात करते हैं जब टच वच की या कोई एक सप्लाई की तो सही है, पर जब वो सारे पैड पे आता है तब वो आधा अधूरा हो जाता है। कितना हो जाता है? चलिए आधा अधूरा। जबकि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट I2S है। क्या करना I2S ही नहीं आएगा तो काम कैसे होगा सर? हेलो, चलिए मुझे बताइए कि अभी शाम को ये दोनों आईसीओ का प्रैक्टिकल कौन कौन करने वाला है? चलिए बताओ। अच्छा, अब डीएसओ की रिकॉर्डिंग किस किस को लग रही है? चलिए बताओ कि आगे जाकर लगेगी कि नहीं लगेगी। अच्छा, मैंने सिर्फ इतना बताया कि कोई भी पल्स आ जाए, आपने यहाँ पे नॉइज भी चेक किया। चलो, कि नॉइज भी आ रही है कि नहीं आ रही है, कितने हर्ट्ज बनेंगे ये भी हमें पता है। चलो, और हमने आईसीओ को सिर्फ यहाँ बनाया नहीं, यहाँ से निकाल के पूरा प्रोटोकॉल के हिसाब से बनाया हमने। अच्छा, बाईपास भी किया अभी हमने एक सर्किट, एक 1.8 का जंपर। यस सर। क्या हमने 1.8 मारा? नो सर। क्या हमने YouTube को सुनकर 1.8 दिया? नो सर। हमने YouTube की परिभाषा चेंज की कि नहीं की? यस सर। सर, YouTube कोई भी वीडियो उठाओ ना रिंगर का, तो ये क्यों होगा साहब? 1.8 नहीं आ रहा, 1.8 उठाएंगे कहीं से भी जंपर मार देंगे। इवन वो ये भी नहीं बता रहे कि कहां से दिया, स्लीप मोड वाला है कि नहीं है, सीधा 1.8। और हमने 1 वोल्टेज से चलाया। कितना? 1 वोल्टेज से। तो नॉलेज से काम आसान होता है और सही काम होता है। हेलो, और सीसी एक वीडियो देखने से तो कुछ भी चीज सही नहीं होती, ऊपर से और बिगड़ सकती है। हेलो, तो ले देखे आज ऑडियो सेक्शन किस किस को अच्छा लगा, जल्दी बताइए। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ए फ्रूट वाले इधर आ जा, ऑटो कवरेज जा रहा भाई। तो हमारे साथ है 28 नवंबर की बेट। यस सर। कौन कौन लाइव है? यस सर। सब लाइव है? यस सर। तो मेरे भाई आज क्या क्लास थी हमारी? ऑडियो सेक्शन क्लास थी सर। किस किस का ऑडियो बजा? यस सर। सबका ऑडियो बजा? यस सर। खाली नॉर्मल पीए बजा कि स्मार्ट पीए बजा? स्मार्ट पीए। यस सर। पेट टू पेट? यस सर। कौन सी लाइन किधर जा रही, कौन सी लाइन किधर से आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। एक्यूरेट? यस सर। सबने लाइव प्रैक्टिकल करा? यस सर। सर की जो क्लास थी ऑडियो की, शुरुआत कहां से की सर ने? जीरो से? जीरो सर। सर ने जो शुरुआत की, देव सर ने जीरो से शुरुआत करी? यस सर। और एंड तक लेके गए आप? यस सर। अभी इसके ऊपर कुछ है क्या? नो सर। क्या सर हम ऑडियो के लिए पावर भी उतार सकते हैं? यस सर। सीपीयू भी उतार सकते हैं? यस सर। और सीपीयू उतारने के बाद हमारा स्मार्ट पीए भी उतार सकते हैं? यस सर। स्मार्ट पीए उठाने के बाद जो ट्रैक बचती है, अगर अंदर से इंटरनल लाइन अगर ब्रेक हो हमारी, तो कौन कौन माइक्रो जंपरिंग बना के बना सकते? माइक्रो जंपरिंग करके हम बना सकते हैं। नहीं कि हमको होल्ड मालूम होल्ड मालूम यस सर, हमको लाइनें मालूम हो। यस सर। लाइनों की कोडिंग मालूम हो, क्या जी आर आएगा ये मालूम हो हमको। यस। कौन सी लाइन किधर से आएगी, कौन सी लाइन किधर को जाएगी, ये हमको मालूम है। यस सर। तो चलिए ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, प्लीज नाम बताइए अपना। मनीलाल गुप्ता, झारखंड से सर। आप झारखंड से? जी है। तो झारखंड में अभी आपकी शॉप है क्या? हाँ सर, मेरी शॉप है। कितने समय से आपकी शॉप? सर लगभग 8-10 साल से। 8-10 साल से। तो 8-10 साल बाद आने की क्या जरूरत पड़ी, थोड़ा सा गाइडेंस दो। हो सकता है, हो सकता है कि एक 10 साल वाला टेक्नीशियन भी आपको देख रहा हो, घर पे बैठा हो, शर्म के मारे कि मेरी थोड़ी सी इज्जत कम हो जाएगी। सर हम लोग जो ट्रेस करते थे वो हम लोग का ट्रैक ही गलत था, यहाँ पे आए तब जाके हम लोग को इस लाइन का सही ट्रैक पता चला। अच्छा, आज जैसे अपन आरडीओ की क्लास की बात करें, देव सर के साथ थी आपकी क्लास? यस सर। तो क्या लेवल का नॉलेज मिला सर? बहुत एकदम डीप नॉलेज का हम लोग को लेवल मिला। लेवल मिला जी। अच्छा, उसके बाद इस क्लास में आने के बाद पूरा प्रैक्टिकल किया आपने? हाँ, पूरा प्रैक्टिकल चल रहा है। अच्छा, आप में से कौन कौन एक अगर आरडीओ आईसी लगी हो तो दूर से देख के बता सकता है कौन? यस सर। यस सर। बता सकते हैं? यस सर। बिना मल्टीमीटर को टच करें? यस सर। खाली देख के बता सकते हैं? यस सर। तो ये लेवल छोटा है कि बड़ा है? बहुत है सर।
बताइए। बड़ा चलिए ठीक है, थैंक यू। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए। एमडी हबीबुल्ला। एमडी हबीबुल्ला कहाँ से है भाई आप? आसाम से। आसाम से। कितने साल से इस मोबाइल की फील्ड में काम कर रहे थे आप? 6 साल से। 6 साल से कर रहे थे? कितने साल से? 6 साल से। 6 साल से कर रहे थे। क्या जरूरत पड़ी हमको? देखो आपको फ्री में तो आई नहीं है यहाँ पे। नो सर। आप अपनी शॉप को क्लोज करके आए, दूसरे के सुपर छोड़ के आए, राइट? यस सर। घर से दूर आए? यस सर। कितने किलोमीटर है जबलपुर से आपका घर? लगभग 1300 किलोमीटर। 1300 किलोमीटर। कितना? 1300 किलोमीटर। तो क्या चीज को मिस कर रहे थे? क्या काम आपसे हो नहीं पा रहा था? किन चीजों की जरूरत पड़ी आपको कि आपको यहाँ पे आना पड़ा? सही नॉलेज नहीं थी। सही नॉलेज नहीं थी। हम गलत तरीके से काम कर रहे थे और रिजल्ट हमारे अब बिगड़ रहे थे। पहले हम फूक मारने वाले थे, हिट मारने वाले थे, पर बाकी हिट मारने से काम नहीं चला हमारा। दुकान बंद के कगार पे आ गई, हैंडसेट बाजू में रिपेयर होने लग गए, दिक्कत हमारी हो गई, रोजी रोटी के लाले हो गए। एडवांस काम के बलबूते पे ही हम सर्वाइव कर सकते हैं, राइट? यस सर। तो वो चीज जो आप लेने आए थे, वो चीज आपको आज आपकी 28, 29, 30, 1, 2, 3 6 दिन की, आज 6ठे दिन की क्लास है। छठे दिन की क्लास में हम लेके उठ रहे थे, नहीं उठ रहे? आधा तो हो ही गया। आधा हो गया, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने कभी भी जीवन में फोन का काम नहीं किया? फोन का काम नहीं किया? नहीं सर। तो क्या आपने तीसरे दिन पावर निकाल के लगाई है? जी सर। दूसरे दिन एक डुअल टेकर सीपीयू को रिवॉल्व किया? जी सर। पहले दिन ईएमसी रिवॉल्व किया? जी सर। 2 दिन में कंपोनेंट खत्म करे? जी सर। तीसरे दिन आईसी आइडेंटिफिकेशन की क्लास आपने अटेंड करी? जी सर। और फिर उसी दिन एक चालू मोबाइल से 4G मोबाइल से पावर आईसी निकाल के मोबाइल ऑन करा? जी सर। किया। आपने सीपीयू की क्लास में 4G सीपीयू निकाल के लगा के डन करा? जी सर। किया। तो आप फ्रेशर कब है? हेलो, आप फ्रेशर है क्या? नहीं सर, अब एशिया टेलीकॉम के स्टूडेंट है, 6 महीने का एक्सपीरियंस लेके, 6 दिन का एक्सपीरियंस लेके। जी सर। तो आप ये बताइए मेरे को, आज आरडीओ की क्लास देव सर के साथ किसी को? बहुत अच्छा सर, इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया आप। ना ही डायग्राम चाहिए, ना ही मल्टीमीटर चाहिए, देख के बता दे सकते? देख के बता, हम उसे बता देंगे। जी सर, बिल्कुल। तो हमको शुरू से एंड वाली ट्रिक मालूम है बहुत, कहाँ काम को क्लोज करना है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ काम को क्लोज करना है, फर्स्ट स्टेप क्या होगी, सेकंड स्टेप क्या होगी, थर्ड स्टेप क्या होगी? जी सर, ये मालूम है स्टेप? जी सर, सब कुछ। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए। जी, मेरा नाम शुभम चौधरी, सिद्धार्थनगर यूपी से। शुभम, इस फील्ड में आप कब से? सर है तो 2 साल, रिपेयरिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी सर। दुकान में क्या करते थे आप? सर सामान वान बेच रहा था सर, मोबाइल वोबाइल। जी सर, एसेसरीज का सर, मतलब बेचने का काम था, कुछ नहीं। मतलब मोबाइल की एसेसरीज बेचते थे आप, सेल्स का काम? जी सर, सेल्स का काम। सेल्स का काम करते थे। सेल्स के काम में फिर आपको क्या लगा कि मैं एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करूं और फिर सीखूं और फिर काम करूं, तो क्या इस लाइन में स्कोप है क्या? जी सर, बहुत मतलब इच्छा हुआ कि मतलब रिपेयरिंग सीखूं कहीं और फिर। यूपी में कौन से गांव से हैं? सिद्धार्थनगर से सर। सिद्धार्थनगर यूपी से? जी सर। सिद्धार्थनगर यूपी मतलब अपने आप में संभाग हो गया? जी सर, नहीं जिला है सर, गौतम बुद्ध भगवान का जगह सर। अच्छा अच्छा, हाँ वही जन्म तिथि उनकी है सर। जी सर, बहुत बड़ी जगह पर। बहुत बढ़िया सर। तो ये बताइए मुझे कि अभी 6 दिन में क्या मिला? 6 दिन में सर बहुत कुछ यहाँ मिला सर आके, मतलब आज सर हम लोग आईडियो मतलब रिंगर की मतलब सर ट्रेसिंग किया सर, वो भी बिना डायग्राम के सर। और सर कर भी सकते हैं बिना डायग्राम के सर, मतलब ऐसे कोई बोर्ड अगर हाथ में ले ले और दूर से अगर पूछ ले कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ क्या काम कर रहा है, सर बता सकते हैं बिना डायग्राम। बहुत बड़ी सर भाई, हमने तो दूसरी जगह देखा है बिना डायग्राम के बात ही नहीं होती वहाँ। जी सर, यहाँ बिना डायग्राम के बोलते हो? बिना डायग्राम कर सकता हूँ। क्यों, इतना कॉन्फिडेंस है क्यों बोल रहे हो कि आप उसका प्रैक्टिकल करके? जी सर, प्रैक्टिकल कर चुके हैं सर। किसका? खुद अपने हाथ से प्रैक्टिकल करके, अपने हाथ से लाइव सर प्रैक्टिकल किया है। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए अपना। जी सर, मेरा नाम पंकज है, मैं यूपी से। पंकज और प्रदीप, यूपी से हैं आप? यूपी में कौन से शहर से हैं? एटा जिला से। एटा जिला से, बड़ा जिला है? बड़ा जिला है सर। बड़ा जिला है, और हमारे किन की नगरी है यूपी में? आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ जी की, महाराज जी की हमारी नगरी यूपी नगरी है। तो ये बताइए, महाराज जी की नगरी से आप आए हैं और आपको 6 दिन में क्या मिला? बहुत कुछ मिला सर, तो जो देखने का नजरिया था बिल्कुल बदल गया सर। पहले तो केवल डिस्प्ले, चार्जिंग जैक, माइक वगैरह चेंज करते थे, जब आईसी लेवल का खुद ही दिमाग में आया तब मैं एशिया टेलीकॉम आया। जी सर। तो आपको लगा कि भाई अब मेरा काम नहीं चलेगा, मेरे को आईसी लेवल पे जाना पड़ेगा? जी बिल्कुल सर, टेस्टेड पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा, सैंडविच सीपीयू में जाना पड़ेगा मेरे। जी बिल्कुल, है ना। और उसके बाद मेरे को यूएफआई की प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी? जी बिल्कुल। सीखनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जी बिल्कुल, उसके बिना काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा सर।
तो अभी 6 दिन का जो आपका सफर था, क्या आपने तीसरे दिन पावर लगाई? जी बिल्कुल लगाई। चौथे दिन सीपीयू लगाया? जी लगाया। रूएल टेकर को दूसरे दिन रिकॉल करा? जी करा। आज तीसरे दिन आरडीओ की क्लास, स्मार्ट पीओ हो, नॉर्मल पीओ, शुरू से एंड तक? जी सर, शुरू से एंड तक ट्रेस भी किया और रिवर्स टेस्टिंग भी की मैंने। रिवर्स टेस्टिंग रिजल्ट मिले आपको? बिल्कुल मिले सर। मतलब छोटे हैंडसेट पे किया कि बड़े हैंडसेट पे? 4G हैंडसेट पे किया सर। 4G हैंडसेट पे किया? रूएल टेकर पे भी किया? रूएल टेकर पे भी। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए अपना। मेरा नाम अरविंद गहलोत है। अरविंद, तो एशिया टेलीकॉम में आज आपका 6th दिन और आरडीओ की क्लास देव सर के साथ, क्लास का क्या रुझान रहा आपका, क्या 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 लेवल का नॉलेज मिला आपको? सर पहले तो हम वैसे किसी का कस्टमर का मोबाइल रिपेयर के लिए आता था, रिंग मतलब साउंड डाउन नहीं आता था, तो हम रिंग का डब्बी चेंज कर देते थे, फिर भी साउंड नहीं आता था। तो आज सर इतने मतलब 2-3 साल तक काम किया था, पर इसे 6 दिन में हमने इतना इंस्पायर कर दिया कि मतलब आधा मोबाइल तो हम कि ऐसे ही समझ गए सर। दूसरी बात आपसे ये पूछना चाहूँगा मैं कि अब स्मार्ट पीए का फॉल्ट आता है, नॉर्मल पीए का फॉल्ट आता है, उसमें भले डुअल टेकर सीपीयू लग रहे और सीपीयू के अंदर जो ट्रैक जा रहे हैं वो ट्रैक का नॉलेज हुआ कि नहीं हुआ? जी सर, एक एक पॉइंट कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, खाली का डायग्राम की भाषा बोल रहे हो कि लाइव प्रैक्टिकल कर रहा है सर, चेक करके और ऐसे निकल के चेक करें किधर क्या ट्रैक जाते हैं। एमडी सर ने और देवर सर ने उनको एक्सप्लेन किया। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए अपना। महमूदुल्लाह आसाम से। महमूदुल्लाह आसाम से। आसाम से जबलपुर की दूरी कितनी है? 2000 किलोमीटर है। ठीक है, 2000 किलोमीटर है। आप किस फील्ड, अभी एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन करने से पहले आप किस फील्ड से थे? हुंडई कार कंपनी। कार मतलब भाई ये मोबाइल लाइन से बिलोंग नहीं करते थे? हेलो, ये मोबाइल लाइन से बिलोंग नहीं करते थे? तो भाई आपसे पहले दिन तो एमएमसी रिवाल नहीं हुआ होगा? किया है मैंने। दूसरे दिन डुअल टेकर सीपीयू नहीं बनाया होगा? वो भी किया है मैंने। तीसरे दिन पावर भी नहीं लगी होगी? वो भी किया है मैंने। चौथे दिन आपसे सीपीयू भी नहीं लगा होगा? वो भी किया, वो भी ऑन मोबाइल चेक करके ऑन किया, मोबाइल ऑन किया। अच्छा, फिर अब ये तो जो ट्रेसिंग की क्लास है भाई, इसमें तो स्किल का काम है, चलो सीख गए, तब ट्रेसिंग तो तुमसे बन नहीं रही होगी? ये भी बन रहे हैं, ये इसका मतलब एशिया टेलीकॉम में ये नॉलेज देता है, मतलब हाथ पकड़ के चलना सिखाता है। देवरतन सर ये जीरो से मतलब -0 से कैसे सिखाना पड़ता है एक छोटा बच्चा को, ऐसे पढ़ाते हैं लोगों को, तो इसीलिए जल्दी से जल्द हमारा दिमाग में आ जाते हैं। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। प्लीज, तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, बहुत दूर से है, गुजरात से आए हैं, प्लीज नाम बताइए अपना। मेरा नाम राहुल कुशवाहा है, अहमदाबाद से। राहुल अहमदाबाद से, कितने समय से काम कर रहे हैं? मैं 16 साल से। 16 साल से, तो आपकी उम्र क्या है? मेरी अभी 35 साल है। 35 साल उम्र है, तो 16 × 2 = 32 और 35 के आंकड़े में कितना हो गया, 32 × 3 = 18। 18 साल की उम्र से तुम मोबाइल साफ कर रहे हो, तुम है ना मतलब मोबाइल का काम कर रहे हो, मतलब देखो यहाँ आने से पहले तो साफ ही कर रहे थे। हेलो, गलत बोल रहा हूँ क्या? मोबाइल साफ कर रहे थे ना, पीसीबी को थिनर से धो रहे थे, है ना, एसएमडी को सेंटर में रख के हिट मार रहे थे, पहले हाथ पे हिट मारते थे कि हाँ गर्म हो गया, उसके बाद एसएमडी पे उसके पे घुमा दी है। बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी तो ये काम में पैसा था क्या, मतलब यही काम करा करते तो पैसा था क्या? नहीं, बिल्कुल पैसा नहीं था, हमको अपना तरीका चेंज करना पड़ा। तो ऐसा क्या मन में आया, देखो भाई तुम अहमदाबाद में, गुजरात में इंस्टीट्यूट है तुम्हारे, है ना, आप वहाँ भी जा सकते थे, एशिया टेलीकॉम को ही क्यों चुना आपने? एशिया टेलीकॉम का जो पढ़ाने का तरीका है ये पहले मैंने सोशल मीडिया पे देखा, यहाँ सोशल मीडिया फेसबुक यूट्यूब पे देखा, ठीक है, और कॉन्फिडेंस लेवल भी देखा कि यहाँ पे जो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल था कितना था स्टूडेंट का जी, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पर जाना सेफ रहेगा, ठीक है, क्योंकि दूसरे इंस्टीट्यूट में जाता तो वहाँ पे नॉलेज मिलता कि नहीं मिलता, फिर मैं वहाँ से ही एक से शुरू करके वापस एक से ही शुरू करना पड़ता मुझे। देखो देखना और करना, खुद से करना, दोनों में फर्क होता है, मानते हो इस बात को, बिलीव करते हो? बिल्कुल। किस दिन डर निकल गया था तुम्हारा? पहले ही दिन जब मैंने सीपीयू रिवोल किया, पहले दिन पावर आईसी जो मुझे आईसीआर दी गई थी वो रिवोल किया, तो मुझे पता चल गया कि मैं कितना पीछे था, और पहले ही दिन में मुझे पहले ही ट्रिक में पहले ही बार में मैंने 10-15 मिनट में आईसी को रिवोल किया। कुछ दिन डर से निकल गया, और दूसरा क्या निकल गया, भरोसा हो गया, भरोसा हुआ ना। और आज सर ऑडियो आईसी का जो सेशन था उसके अंदर इतना नॉलेज मिला, पहले मैं सिर्फ बजर मोड पे 100 रुपये वाले मल्टीमीटर से यूज करता था और प्लस माइनस खाली देखकर डिसीजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है मोबाइल वापस दे देता था ना।
आज मैं सर्किट का पूरा डायग्राम बना सकता हूँ, सीपीयू तक पूरा डायग्राम बना सकता हूँ बिना बोर्डनियों के, यानी मैं आप खुद से सेल्फ बना सकते हैं, कौन सी मेरी स्मार्ट बीम है, कौन सी मेरी काम की लाइन है उसको ड्राइंग कर सकता हूँ, कौन सी लाइन कहाँ से आ रही है, कौन सी लाइन कहाँ पे जा रही है, ये मुझे मार बात है। उसका कारण ये है कि आपने देवसर की क्लास करी है, और दूसरी बात ये है कि आपने उसी का प्रैक्टिकल किया, उसी का प्रैक्टिकल किया जो सर ने बोला है, आपने उसी का प्रैक्टिकल किया और मेरा रिजल्ट ये है। और मैंने जो बॉल जो डायग्राम बनाया है उसमें जो बॉल के पॉइंट बनाए वो सेम बॉर्नियो से भी मैच करेंगे, बॉर्नियो से भी मैच करेंगे। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए। नितेश पड़िया सर, एमपी में। नितेश, तो ये बताइए कि एशिया टेलीकॉम में कितने सब, आप सबसे पहले अपनी जर्नी बताइए कि एशिया टेलीकॉम में आने से पहले आप कितने वर्ष का तक मोबाइल का काम कर रहे थे? सर मैं 18 साल से काम कर रहा था। 18 साल, तुम्हारी उम्र क्या है? सर 41। 41 भाई, इनके जज्बे को सलाम है यार। यस सर। आज आपको आधी पारी खेल चुके हैं, अमर 50 मार चुके हैं, 50 और बाकी है। यस सर। समझ में आ रहा है, भगवान तुम्हारी 150 साल उम्र करे, 50 नहीं करे, पर बाकी एक जज्बा भी तो होता है ना, इस एज में आके इस मोड़ पे आके आपकी आपके बच्चे भी होंगे भाई, 41 साल की उम्र हो गई, बच्चे होंगे 11 क्लास में, 4 साल बाद इनकी शादी हो जाएगी है ना, तो अब उसके आने के बाद 41 इयर्स में इन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं आई एम, मैं ज्वाइन करूंगा, मैं अपने काम को बेहतर करूंगा, बेहतर ऊंचाइयों पे जाऊंगा। देखो मेरा आपका फीडबैक लेने से, मतलब पुरानी चीजें का और पुरानी बातें करने से मेरा कोई लॉजिक नहीं बनता, ना ही मेरा इस रिव्यू से कोई उसका लेना देना है, पर बाकी मैं ये जानना चाहता हूँ, जनता जानना चाहती, हो सकता है कोई 45 साल की उम्र का इंसान है वेट कर रहा हो आपको प्रेरित होके, वो भी उसका मन करे कि मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाऊं। जी सर, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है सर, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, उम्र नहीं होती, कोई भी सीख सकता है ऐसा नहीं, बहुत सी चीजें मुझे नॉलेज में नहीं थी जो मैं सीखने के लिए यहाँ पर आया मैं। जी, तो छठे दिन रितेश, जी सर छठे दिन रितेश क्या मिला? सर बहुत कुछ मिला जो मुझे किसी इस फील्ड में, मैं इतने समय से काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं था कि कहाँ से मुझे ट्रैकिंग करना है, कहाँ मुझे सेंस की लाइन देखना है, कहाँ आईडी की लाइन देखना है, इस तरह की लाइनों का ट्रेसिंग नहीं पता था, जिस कारण से मेरे बहुत सारे हैंडसेट रिटर्न जा रहे थे, नहीं कर पा रहा था, वो चीज़ अब मैं कर पाऊंगा। तुम्हारे हार्डवेयर के गुरु हैं मिस्टर देवरतन अग्रवाल। जी सर। अब यही क्लास अगर कोई तीसरे इंस्टीट्यूट में किसी दूसरे टीचर से ली होती तो क्या नॉलेज मिलता? नहीं, इतना डीप का नॉलेज नहीं मिलता। अभी यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं जो कहीं और से शायद मेरे हिसाब से शिक्षा लेके आए हैं। जी सर। कहीं ज्वाइन करके आए, वो हमसे हमसे छुपा के बोला है, वो हमको कभी बताया नहीं, अगर हमको बताते तो हम इंस्टीट्यूट में नहीं रखते है ना, हम दूसरे से पढ़ने वाले, पर बाकी उसके बाद भी उन्होंने कंपेयर किया कि नहीं भाई पढ़ाई यहाँ की ग्रेट है। तो आपने आज आरडीओ की क्लास थी, क्या लेवल से आपने ट्रेसिंग करा, क्या करा, स्मार्ट पीए, नॉर्मल पीए, एक आरडीओ आईसी कैसे फंक्शन करती है? स्मार्ट पीए पे भी काम किया मैंने, आरडीओ नॉर्मल आईसी से भी काम किया, दोनों पे मैं ट्रेसिंग की, दोनों के मैंने सेंस की लाइन, द्वारा पावर की लाइन, सारी कमांड की लाइन, आई टू सी लाइन वगैरह सब चेक करी, सारी की सारी चेक करी और आपको सारा का सारा रिजल्ट मिला। जी सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चलिए, तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए। गोपाल। गोपाल, गोपाल आप कितने समय से इस फील्ड में? 15 साल, 15 इयर्स ओल्ड, मतलब इस फील्ड में हो गए, आप ओल्ड तो ज्यादा है ना, 15 साल आपने इस फील्ड को दिए, तो इस फील्ड में अपन क्या रिपेयरिंग का काम करते थे या दूसरा काम करते थे या मोबाइल फील्ड में ही काम करते? मोबाइल फील्ड में रिपेयरिंग का ही करते थे। मोबाइल फील्ड में रिपेयरिंग का करते थे। तो गोपाल 15 साल काम करने के बाद फिर दिसंबर महीने में, नवंबर महीने में ऐसा क्या अपने बीच में ऐसा लगा अंदर से कि नहीं यार मेरे को ज्वाइन करना चाहिए? सर आईसी बेस पे काम नहीं करते थे। आईसी बेस पे काम नहीं करते थे। तो तुमने देखो, तुमने बहुत सारे इंस्टीट्यूट को देखा होगा, राइट? जिससे भी यूट्यूब में, फेसबुक में देखा था ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूट को देखा होगा, आपने एशिया टेलीकॉम को ही क्यों चुना? यहाँ का लड़का का जोश देख देख के सिर्फ यहाँ पहुँचे। तो भाई जोश है कि नहीं है? जोश तो मिला। जी सर। और जोश मिला भी। जोश मिला भी। जी सर। अब सेकंड चीज आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आज आपकी आरडीओ की क्लास, जी क्या नॉलेज मिला है? 0 से 100 तक, मतलब शुरू कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे करना है? जी सर, अब एक एक चीज क्लियर है आपको? जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए। श्याम। तो श्याम, एशिया टेलीकॉम में आज आपकी आरडीओ की क्लास, कितने साल का आप काम कर रहे हैं आज छठा दिन एशिया टेलीकॉम में, तो छठे दिन का रिव्यू तो आपसे ले सकता हूँ ना? जी सर। तो छठे दिन के रिव्यू में श्याम का क्या रिव्यू है? बहुत अच्छा रिव्यू है सर, मैंने ऑडियो और रिंगर से बहुत अच्छा काम किया है सर। अच्छा। और उसकी जो है लाइन ट्रेस करके सीपीयू से और पावर से दोनों से ट्रेस करके काम किया। आपने आडियो आईसी चेंज कर दी, आपका आडियो बना लिया। आपने रिंगर आईसी चेंज कर दी, आपका आडियो बना लिया। ठीक है, दोनों नहीं बने,
अब इसके बाद जो आपकी लाइन है कहाँ जाती है, किससे मिलती है, कैसे बनाना है, ये नॉलेज है कि नहीं होगी? ये सर आईसी बदलने के बाद नॉलेज है कि नहीं, मतलब पेड लाइन का नॉलेज है कि नहीं, मैं पूछना आपसे ये चाहता हूँ। हाँ सर, पूरी एक एक लाइन को हम क्लियर कर सकते हैं और हमें कोई भी मोबाइल दे दीजिए, हम जो है चाहे एम एम सी से हो या फिर सी पी ओ से हो, कहीं से भी हो, हम उसे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो मेरे साथ स्टूडेंट है, नाम बताइए। मेरा नाम सुबोध ठाकुर सर। सुबोध कितने साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं? लगभग सर 10-12 साल से ज़्यादा ही हो गया। 12 साल से ज़्यादा। तो सुबोध क्या जरूरत पड़ेगी हम इतनी दूर, आप बेसिकली कहाँ से? मैं आसाम से हूँ सर। आसाम से, नॉर्थ ईस्ट से हैं, आसाम से हैं आप? आसाम से आप एम पी जबलपुर आए, चाहते तो दिल्ली भी जा सकते थे, और एशिया टेलीकॉम ही क्यों चुना, और क्या जरूरत पड़ी कि आज मैं इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करूँ? सर एक्चुअली ऐसा था कि मैं बहुत पहले तो कर ही रहा था रिपेयरिंग, लेकिन आज 4-5 साल पहले मैं छोड़ दिया था टोटली, मैं सेल्स में आ गया था क्योंकि मैं सब काम कर नहीं पा रहा था। अच्छा, तो इसलिए मैं सेल्स में आ गया। मतलब काम से रिजल्ट नहीं मिला? नहीं मिल रहा था मेरा, फिर मैं सेल्स में आ गया, सेल्स में अच्छा खासा किया, लेकिन ऐसा हो रहा था कि बहुत कस्टमर आ रहे थे मेरे पास रिपेयरिंग के लिए, मैं रिपेयर कर नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने यहाँ के बारे में थोड़ा रिव्यू लिया, देखा सभी वीडियो और जो भी बच्चे लोग थे उन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल देखा, तो मैं लगा कि नहीं मैं यहाँ से अपना फिर से अपना करियर जो पुराने वाले थे उसको मैं फिर से पिकअप कर सकता हूँ, तो इसीलिए फिर इधर आ गए। इधर आ गया। तो इधर आने के बाद कब दिल से डर खत्म हुआ कि नहीं मैं सही जगह आ गया? किस दिन लगा? जी पहला दिन ही। पहले दिन लगा? हाँ जी सर। कि मैं सही जगह आ गया हूँ। तो आज छठा दिन, तो सुबोध क्या लेवल पे अभी? बहुत बहुत हाई लेवल। तीसरे दिन पावर, चौथे दिन सीपीयू, आज लाइनों की बात करूँ मैं तो कल क्लास थी आपकी आईडी थर्मल की, और आज क्लास थी आपकी ऑडियो की देव सर के साथ क्लास थी, क्या रिजल्ट निकला सर? मस्त, बहुत बढ़िया सर। अगर मैं बोलूँ कि सीपीयू में मतलब अगर इसके अंदर अगर आपका ऑडियो आईसी अगर पूरा छेड़ के आया है तो बनाने की क्षमता? हम पहले बीपी पहचानते थे बस, बीप मिला लाइन सही है, स्पीकर चेंज करो, हुआ तो हुआ, नहीं तो कस्टमर को रिटर्न कर दो। लेकिन आज पता चल रहा है कि इसकी अलग से ट्रेसिंग होती है, अलग तरीका होता है इसका, वो तरीका हम लोग को बताया गया है, तो अभी कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए। विकास सोनी। तो विकास, एशिया टेलीकॉम में आज आपका छठा दिन, तो विकास सोनी किस लेवल पे? सर 99 लेवल पे हैं। 99 लेवल पे। अच्छा विकास, आपको वो भी देख रहे होंगे कि जो जिन्होंने तुम्हारा मन को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करी थी। जी सर। वो भी देख रहे हैं, राइट? क्योंकि मैं इतनी बात इसलिए अंदर की बोल रहा हूँ क्योंकि आपसे कम्युनिकेशन था मेरा। जी सर। तो विकास, छठे दिन एशिया टेलीकॉम में क्या रिव्यू है? बहुत अच्छा रिव्यू है सर। मतलब तीसरे दिन पावर, चौथे दिन सीपीयू। जी सर, हम बिल्कुल सर्किट के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, एक एक सर्किट पढ़ाया जा रहा है सर। एक सर्किट पढ़ाया जा रहा है। मेन सर्किट है सर, यहाँ पे सर्किट पढ़ाया जा रहा है, इससे सब यूनिवर्सिटी सब कॉलेज मतलब देव सर के साथ सारे आपके हार्डवेयर के मेन टीचर हैं मिस्टर देवरतन अग्रवाल। जी सर, उनके सानिध्य में सारा सब कुछ होता है, टीचिंग भी उनका, प्रैक्टिकल भी उनके सानिध्य में होता है। तो हमको रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं सर? 100% रिजल्ट मिल रहा है। 100% कोई चीज की गुंजाइश है कि कोई चीज नीचे कोई चीज की गुंजाइश नहीं सर? चलिए ठीक है। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए। सर राहुल कुमार। राहुल, एशिया टेलीकॉम में आज आपका छठा दिन। जी सर। तो तीसरे दिन पावर, चौथे दिन सीपीयू, और आज आपकी ऑडियो की क्लास है, करी कि नहीं करी आपने? कैसी करी ऑडियो की क्लास? और देव सर के साथ क्लास थी आपकी, कैसी थी? सर देव सर के लिए बहुत अच्छी, उनके से वो इतने अच्छे से डीपली समझाएं कि डायरेक्ट समझ में आ जाए सर। अच्छा, दूसरी बात, ये नॉर्मल पीओ हो, स्मार्ट पीओ हो, सारी लाइनें पता है हमको। जी सर। ये आप इतना कंठस्थ कैसे बोल रहे हैं कि मतलब पता है आपने? क्या उसका प्रैक्टिकल किया खुद आपने हाथों से? जी सर। डायग्राम से किया कि बिना डायग्राम? बिना डायग्राम से सर। बिना डायग्राम से स्मार्ट पीए की सारी लाइनें बताया? जी सर। नॉर्मल पीए की लाइनें बताया आपने? पहला वोल्टेज कौन सा आएगा, आखिरी वोल्टेज कहाँ से आएगा, शुरुआत कहाँ से करनी है, एंड कहाँ से करना है, कब आईसी पे काम करना है? जी सर, सब पता है मुझे हमें। और ऑडियो की एक स्पेशल टेक्निक भी आपके पास? जी सर। बताने का नहीं। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए। मनीष राठौर। तो मनीष, आज एशिया टेलीकॉम में आपका छठा दिन, जामनगर गुजरात से आप आए हैं। हाँ सर। आशाएं, उम्मीदें लेके आए बहुत, तो उस उम्मीद में कहाँ तक पहुँचे आप? 100%। कब ऐसा दिल से डर खत्म हो गया था कि नहीं मैं सही जगह आ गया? पहले दिन में ही लग गया था कि मैं सही जगह पे आया हूँ। अच्छा, अब तीसरी बात बोलूंगा कि आज ऑडियो की क्लास थी आपकी देव सर के साथ, क्या क्या लेवल से नॉलेज मिला? डीप लेवल। और ये बताइए, आप प्रैक्टिकल क्लास में आने के बाद क्या किया आपने? ट्रेसिंग किया पूरा, नॉर्मल पीए, स्मार्ट पीए, एक-एक पेड लाइन, एक-एक पेड लाइन, कोई छोड़ी है क्या अपन ने? कोई। चलिए ठीक है। चलिए, तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए। मुन्ना कुमार साहब। मुन्ना, कहाँ से आप? झारखंड से। तो मुन्ना, एशिया टेलीकॉम में आज छठा दिन, आपका क्या नॉलेज लेके बैठे? ऑडियो सिस्टम के बारे में बहुत सारा जानकारी मिली, लाइन को कैसे ट्रेस कर सकें,
आईसी लेवल में या फिर सीपीयू में। तो जो एशिया टेलीकॉम, एक आपसे सबसे बात पूछना चाहूँगा कि एशिया टेलीकॉम अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के बाद, प्रैक्टिकल कराने के बाद जो रिव्यू लेता है, जो ये सही है या गलत है? सही है, सही है। अगर आपके घर से अपनी आपके फैमिली मेंबर्स, माता पिता या गुरुजन या जो भी दोस्तों से बात करके आएंगे, वो शायद हो सकता है आपको इस समय देख रहे हो, तो उनको एक प्लेजर, एक संतुष्टि तो मिलेगी कि नहीं, मेरा बच्चा जहाँ गया वो सही हाथों में गया है ना। ना तो ये घूम रहा है, ना मार्केट में घूम रहा है, ना होटल में बैठा है, ना कहीं ढाबे पे बैठा है, सीधे कहाँ जा रहा है, ये पढ़ाई कर रहा है। और अपन दिन में कितनी बार लाइव आते हैं? बहुत बार अनलिमिटेड बार। तो हमारी फैमिली मेंबर्स को एक संतुष्टि तो होती है ना। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ अगर आप दो दिन लेट भी हो जाओगे तो उनको घर वाले को फिक्र नहीं, क्योंकि वो ऑनलाइन देख रहे हैं आपको। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद सौरभ जी, सौरभ बताइए, आप इस फील्ड से नहीं थे सौरभ, आप दूसरी फील्ड से थे, आप सूट वगैरह बनाते थे, रिपेयर करते थे, और अचानक से तुम्हारा धर्म परिवर्तन, मतलब मन परिवर्तन हुआ तुम्हारा कि आप नहीं, मैं मोबाइल रिपेयरिंग में किस्मत आजमाऊंगा, आप पूरा सोच रखते थे, आपकी पूरी काउंसलिंग हुई, उसके बाद काउंसलिंग के बाद ये रहा, क्या आपने तीसरे दिन पावर लगाई? जी सर। चौथे दिन सीपीयू लगाया? जी सर। लाइनों का नॉलेज बहुत बढ़िया तरीके से हो गया है, बहुत बढ़िया तरीके से। आज आरडीओ की क्लास देव सर के साथ थी, आप क्या नॉलेज मिला आपको? बहुत अच्छा मिला है। अच्छा, दूसरी बात, अगर हमारा स्मार्ट पी होता है, नॉर्मल पी होता है, तो हम फेस कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं, आज के भी है। आज के भी है। तो ये कॉन्फिडेंस प्रैक्टिकल करने के बाद आता है कि टीवी देखने के बाद आता है? नहीं नहीं, प्रैक्टिस की है अपने हाथ से। अपने हाथ से प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिकल किया, एक एक लाइनों को देखा है, समझा है, उसके बाद ये बात होती है ना। चलिए, पहले तो आए तो इसका तो नॉलेज, पास का ही कुछ नॉलेज ही नहीं था, यहाँ आके सीखे हैं, करने लगे हैं, नॉलेज भी हो गया, जानकारी भी हो गई। तो ऐसा ऐसा बोले तो बड़ी बात तो नहीं होगी, जैसे टेलीकॉम में जो भी आएगा सीख के जाएगा, सीख के जाएगा, नया रहे ये तो सीखा हुआ रहे, आएगा सीख के जाएगा। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, किस नाम बताइए? इफ्तिकार हुसैन असद। 28 तारीख वाले इफ्तिकार में और आज के इफ्तिकार हुसैन में क्या फर्क है? 5 दिन में 5 साल का एक्सपीरियंस। हेलो, पाँच साल भी अगर मैं वहाँ मेहनत करता हूँ तो ये चीज नहीं मिल पाती मेरे, किस लेवल से मेहनत करनी है? अभी आगे बहुत लेवल से तो मेहनत करने का रास्ता मिला आपको जी। किस रास्ते पे जाके मुझे मेहनत करनी है, किस डायग्राम के साथ काम करनी है, कौन सी एसएमडी से काम करना है, कैसे ट्यूजर पकड़ना है, कैसे टेबल पे बैठना है, मेरे को कौन सी आई कहाँ रखनी है, मेरे को देव सर ने बताया कि ये लाइनें इस तरीके से पढ़नी है, इसकी रिवर्स टेस्टिंग करनी है, ये चीजें हम लेके बैठे कि नहीं? आज मल्टीमीटर जाना बिछाना लगता है, सारे फंक्शन जाने बिछाने लगते हैं, कोई सा भी बोर्ड दे दो तो कम से कम एटलीस्ट ट्रेसिंग तो कर सकते हैं, आंख से देख के कंपोनेंट बता सकते हैं, सीरीज में कि पैरेलल में, इसमें 4 वोल्ट आएगा कि 1.8 आएगा, ये बड़ी चीज होती है कि छोटी होती है? बहुत बड़ी चीज। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए अपना। नाम शहजादा। शहजादा, तो नाम के भी शहजादे हो, काम के भी शहजादे हो, तो ये बताइए शहजादा कि एशिया टेलीकॉम में आज छठा दिन आपका, तो 28 तारीख वाले शहजादे में और आज के शहजादे में क्या फर्क है? जमीन और आसमान का फर्क है। आपने मेहनत किस लेवल से करी है? आप ईमानदारी से बताओ कि जिंदगी में कभी आपने 16 घंटे या 15 घंटे पढ़ाई की है? नहीं की, कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। और यहाँ करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो ये जिंदगी में हमेशा सिलसिला जारी रहेगा? जारी रहेगा। क्या तीसरे दिन सीपीयू, चौथे दिन तीसरे दिन पावर, चौथे दिन सीपीयू लगाया है और पूरी लाइनों को ट्रेस किया है या बैठे? जी जी जी, तरीका आया है, तरीका आया है, तरीका अच्छी तरह से, अमृत सर ने अच्छी तरह से समझाया और देव सर ने अच्छी तरह से पढ़ाया है। प्लीज, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए। सर हरिनाथ। हरिनाथ, ये बताइए मोबाइल की फील्ड में कितने साल से? सर ज्यादा नहीं, 6 महीने। इस लाइन में आने में 6 महीने। क्या हम सीपीयू, मेमसी, पावर और इसके अलावा कुछ और हम यूएफआई पे या सॉफ्टवेयर पे काम करते थे? नहीं सर, पहले नहीं। किसी प्रकार का कोई नॉलेज था? कोई नहीं। क्या तीसरे दिन सीपीयू और चौथे दिन पावर लगाया हमने? यस सर। और आज लाइनों को भली भांति हम पहचान रहे हैं? यस सर। मल्टीमीटर से दोस्ती हुई है हमारी, वो जीआर मोड हो, मल्टीमीटर में वोल्टेज मोड हो, डायोड मोड हो, ओम्स मोड हो या एम्पियर मोड हो, करने में सक्षम है? यस सर, पूरी तरह से, पूरी तरीके से। ट्रेसिंग का अनुभव कैसा है? हम कोई भी चीज को ट्रेस कर पाते हैं? यस सर। अगर मेरे को, मैं आपको बैटरी कनेक्टर से पावर में ले जाऊं, पावर से फिर जो अगली लाइन ट्रेस करूं सीपीयू में ले जाऊं, तो आप रोज जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? रोज जा रहे सर, पूरा डेली जा रहे हैं। आज स्मार्ट पीओ को आपने चेक किया है सीपीयू तक? एक एक लाइन चेक करी है? पूरी लाइन चेक की है सर, पीए से, स्मार्ट पीए से। सिर्फ आप आईसी निकाल के लगाने वाले टेक्नीशियन हो कोई पैड लाइन वाले? नहीं, पैड लाइन वाले, पैड लाइन वाले यही बनना चाहते थे ना सर? यही बनना चाहते हैं। चलिए ठीक है, तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए। परिंदर कुमार। परिंदर, बताओ मेरे को कि कितने साल से मोबाइल का काम कर रहे हो और वहाँ क्या मिस करा जो तुमसे बन नहीं पा रहा था और यहाँ बैठ के क्या बना तुमसे? 12 साल हो गया सर काम करते। 12 साल, तो 12 साल बाद भी हमको एक इंस्टीट्यूट में आना पड़ा, क्या देख के आए एशिया टेलीकॉम में?
चाहते तो दिल्ली भी जा सकते थे, आप हैदराबाद भी जा सकते थे, आप गुजरात भी जा सकते थे, आप मुंबई भी जा सकते थे, तो फिर विश्वास एशिया टेलीकॉम पे क्यों जताया? यहाँ बच्चों का रिव्यू देखा सर जी, वही देख के आए, बच्चों का रिव्यू देख के, और उससे जितना रिव्यू से रिव्यू में देखे उससे ज्यादा हमको यहाँ मिल रहा है, रिव्यू से ज्यादा यहाँ मिल रहा है। तो अच्छा ठीक है, आपने खुद सेल्फ अनुभव किया था, तो तीसरे दिन पावर और चौथे दिन सीपीयू, और अभी जो लाइन ए का सेक्शन चल रहा है, जैसे आज आरडीयू के क्लास थी सर के साथ, क्या एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी मैं बात करूँ नॉर्मल पीए स्मार्ट पीए जो पास में कंपोनेंट लगे उसको देख के बता सकता है उसके नीचे की पेडलाइन कौन सी कहाँ जा रही है बता सकते हैं? तो प्रैक्टिकल करने के बाद जो हमारी चेहरे पर जो शाइनिंग आ रही है, जो मैं रिव्यू ले पा रहा हूँ, ये इसीलिए ले पा रहा हूँ कि आपसे पूरा प्रैक्टिकल कराया, जितना दवा के प्रैक्टिकल करवा सकते थे उतना दवा के प्रैक्टिकल कराया कि क्लाइंट। तो अगर आईसी चेंज करने के बाद अगर नहीं बनता है मेरा आईडी तो पहले से सच्चा मैं कि हां सर, तो मेरे साथ स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए जी सर, भाई इधर आ जाओ, तीनों तीनों आ, तीनों चारों आ जाओ। तो मेरे साथ स्टूडेंट प्लीज नाम बताइए, परीक्षित कुमार सर जी, मोहम्मद अहमद जी, रविंद्र कुमार साहब जी, लोकुश लोकुस जी सर, लोकुस आज से पहले कभी आरडीओ के सेक्शंस के बारे में इतनी जानकारी थी कभी नहीं सर, आज आरडीओ के सेक्शन के बारे में बताया गया सर, वो जो कल हमारी थर्मल आईडी की क्लास हुई थी इतनी डीप में नॉलेज थी क्या, ग्राउंड के भी ग्राउंड आईडी थर्मल के सर्किट 1 सर्किट 2 आईडी आईडी थर्मल को कहां बाईपास करना है, कौन सी आईडी थर्मल की लाइन को कनेक्टर तक छोड़ना है हमको, और किसी को कोई कनेक्टर से उड़ा के और बाईपास करके मॉडिफाई करके हम लोग को बनाना है, ये नॉलेज था क्या हमको? नहीं सर पहले कभी नहीं था सर। आज नॉर्मल पीए स्मार्ट पीए पहले हम समझते थे क्या? नॉर्मल पीए क्या होता है, स्मार्ट पीए क्या होता है समझते थे हम? नॉर्मल पीएमए और स्मार्ट पीएमए क्या अंतर आता है ये हमको मालूम था क्या? नहीं मालूम था। अच्छा तीसरी बात, अगर हमारी आरडीओ आईसी अगर सिंगल आरडीओ आईसी विदाउट पावर के लगी है तो उसके क्या प्रोटोकॉल होंगे हमको मालूम है? कौन सी लाइन आएगी, कौन सी लाइन नहीं आएगी, कौन सी सीपीयू में जाएगी, कौन सी हमारी पावर से जुड़ी होगी, ये मालूम है हमको? पावर से जुड़ी होगी तो कितने पावर आएंगे उसके अंदर, कमांड की लाइन कौन सी आएगी, वहाँ से आउटपुट कौन कौन से निकलेंगे पावर आईसी से, ये जानकारी है कि नहीं? पूरी जानकारी है। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट सर, चलो आज हमारा चौथा दिन था एशिया टेलीकॉम में। आज हमने मॉर्निंग में सीपीयू रिबॉलिंग का माउंट रिमाउंट का प्रैक्टिस किया पहले, बाद में हम लोग ने चालू हैंडसेट से सीपीयू निकाला और वापस से हमने रिबॉलिंग करके लगाया और ये हमारा जॉब डन हो गया। आज तक हमने सीपीयू पे कभी काम नहीं किया था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम एक ही बार में डन हो गया सीपीयू। किस्मत बदल दी वेखी मैं, जग बदलदा वेखिया मैं, बदल दे वेखे अपने मैं, रब बदलदा वेखिया, किस्मत बदल दी वेखी मैं, जग बदलदा वेखिया मैं, बदल किस्मत बदल दी वेखी मैं, जग बदलदा वेखिया मैं, बदल दे वेखे अपने मैं, रब बदलदा वेखिया, किस्मत बदल दी वेखी मैं, जग बदलदा वेख्या मैं, बदलदा वेखे अपने मैं, रब बदलदा वेख्या, सब कुछ बदल गया मेरा, सब कुछ बदल गया मेरा, चल चल ही जावागी। तब मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?